आज की वीडियो में हम LIC के धन वृद्धि प्लान नंबर 869 की जानकारी को समझेंगे। ये LIC का एक नया प्लान है जो कि आपको एक गारंटेड रिटर्न देता है। प्लान की जानकारी बताने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ, चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के सुझाव और प्रश्नों के अनुसार लगातार आ रही है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूँ आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। LIC धन वृद्धि एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सिंगल प्रीमियम सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि आप जो प्रीमियम प्लान में यहाँ पे करेंगे कंपनी को, कंपनी इसको इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेगी और जो भी प्लान ऑप्शन आप चुनते हैं प्लान के अंदर उसके आधार पे आपको जीवन कवर देगी यानी कि लाइफ कवर देगी जो कि आपकी मृत्यु पे आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। और अगर पॉलिसी के एंड तक आप सरवाइव करते हैं तो आपको एक गारंटेड रिटर्न दिया जाएगा जिसके बारे में आपको प्लान लेते वक्त ही पता चल जाएगा। राइट, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं LIC धन वृद्धि के प्लान के ऑप्शन के बारे में। तो इस प्लान में दो अलग अलग ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है जिसमें आपको आपके सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना लाइफ कवर मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन है जिसमें आपको आपके सिंगल प्रीमियम का 10 गुना तक लाइफ कवर मिल जाता है। राइट, अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की LIC के धन वृद्धि की। तो इस प्लान में आपको 3 पॉलिसी टर्म के ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, 10 साल, 15 साल और 18 साल। मिनिमम सम मेजोर्ड का जो लिमिट है वो है 1.25 लाख रुपए का। अब 1.25 लाख रुपए का मिनिमम सम मेजोर्ड का लिमिट है तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि मिनिमम प्रीमियम का लिमिट हो गया 1 लाख रुपए का। राइट, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी एंट्री एज का जो इसमें लिमिट है, मिनिमम 90 दिन के बच्चे के लिए आप ये प्लान ले सकते हैं, मैक्सिमम 60 साल के व्यक्ति भी इस प्लान को ले सकते हैं। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो है 78 साल का। अब बात आती है यहाँ पे LIC धन वृद्धि प्लान के बेनिफिट की। तो इस प्लान में जो मेच्योरिटी बेनिफिट आपको मिलता है वो है सम अश्योर्ड के साथ में आपका गारंटेड एडिशन। बात करें डेथ बेनिफिट की तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में आपको गारंटेड एडिशन मिल जाएगा। एस का मतलब है सम, ए का मतलब है अश्योर्ड और जी का मतलब है गारंटेड। राइट, अब गारंटेड एडिशन को जानने के लिए वीडियो को कर लेते हैं फुल स्क्रीन पे। तो एक तरफ हमें दिख रहा है बेसिक सम अश्योर्ड, दूसरी तरफ लिखा है ऑप्शन नंबर 1 जो कि मिडिल ऑफ द टेबल है, फिर राइट हैंड साइड कॉर्नर में लिखा है ऑप्शन नंबर 2। 10 साल, 15 साल, 18 साल ये पॉलिसी टर्म लिखा है। अगर हम यहाँ पे 15 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं और हमारा जो बेसिक सम अश्योर्ड है वो 7 लाख रुपए का या इससे ज्यादा है तो जो गारंटेड एडिशन का रेट है वो यहाँ पे 75 दिख रहा है। अब ये 75 है क्या? इस 75 का मतलब है कि 1000 रुपए के सम अश्योर्ड पे 75 रुपए, यानी कि जो आपका बेसिक सम अश्योर्ड है उसका 7.5% यहाँ पे हो जाता है गारंटीड एडिशन जो कि हर साल आपको मिलना चाहिए, जो कि इस तरीके प्लान में मिलता है। अब मान लो कि आपने सम अश्योर्ड ले लिया यहाँ पे 7 लाख रुपए का, तो 7 लाख रुपए का आप 7.75% निकालेंगे और 15 साल का अगर पॉलिसी टर्म है तो 15 का उसमें गुणा कर देंगे तो हर साल 52,500 रुपए की दर से 7,87,500 रुपए का अक्योर्ड गारंटीड एडिशन का अमाउंट हो जाएगा। अब ऑप्शन 1 में जो लाइफ कवर है वो कहता है कि सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना। राइट, तो इस हिसाब से जो हमने बेसिक सम अश्योर्ड लिया है 7 लाख रुपए का, उसे लेने के लिए यहाँ पे 5,60,000 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा, तब जाके उसका 1.25 गुना जो होगा यहाँ पे 7 लाख रुपए बैठेगा। राइट, अब अक्योर्ड गारंटीड एडिशन हमें पता ही है 7,87,500 रुपए का है, तो यानी कि 15 साल कंप्लीट होने पे जो मेच्योरिटी बेनिफिट होगा 7 लाख जमा 7,87,500 रुपए यानी कि 14,87,500 रुपए का अमाउंट मेच्योरिटी के रूप में मिल जाएगा गारंटेड। ओके, अब ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है ये किसको आप अनुमान मान के चले अभी, क्योंकि प्लान अभी ये नया है, इसका जो पूरा प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है जो PDF आपके साथ शेयर कर सकूं वो अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही अवेलेबल होगा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, बाकी जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है अभी का वो टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ हम शेयर कर देंगे। इसी के साथ में प्लान में अगर आप सरेंडर की बात करें तो पॉलिसी के जो पहले 3 साल हैं उसके अंदर अगर आप सरेंडर करते हैं तो सिंगल प्रीमियम का 75% सरेंडर वैल्यू होगा। अगर 3 साल के बाद सरेंडर करेंगे तो सिंगल प्रीमियम का 90% होगा गारंटेड सरेंडर वैल्यू। प्लान में 2 अलग-अलग राइडर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, दूसरा है टर्म राइडर जो कि प्लान लेते वक्त ही आपको चुनना होता है। राइट, अब यहाँ पे रह गई है जानकारी किस चीज की, डेथ बेनिफिट की, और भी कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है प्लान संबंधित जिनको हम आने वाली वीडियो में बताएंगे। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अब अगला जो एग्जांपल है वीडियो में आप कितने अमाउंट के साथ जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं, और पॉलिसी कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे, क्यों ना लगे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना भी पॉलिसी नहीं लेते। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।